ठीक है, नाउ वील स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज एंसिलरी सर्विसेज। ठीक है, एंसिलरी सर्विसेज क्या होती हैं? दीज आर डिफाइंड एज द सर्विसेज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द ट्रांसमिशन ऑफ कैपेसिटी एंड एनर्जी फ्रॉम रिसोर्सेज टू लोड व्हाइल कीपिंग अ रिलायबल ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ अ ट्रांसमिशन प्रोवाइडर इन अकॉर्डेंस विद गुड यूटिलिटी प्रैक्टिस। तो ओवरऑल जो है एंसिलरी सर्विसेज हम किस चीज को बोलते हैं? एक तरीके के ये एक सपोर्ट होता है, ये सर्विस होती है आपकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी की, या जो भी आप एनर्जी लो रिसोर्सेज से लेकर के लोड तक पहुंचा रहे हो, एक रिलायबल ऑपरेशन जो है वो एक एंसिलरी सर्विसेज के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, जो भी आप ट्रांसमिशन प्रोवाइडर उसको दे रहा है, जैसे कि इसके अंदर जो है गुड यूटिलिटी प्रैक्टिस भी इंक्लूड होती है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांसमिशन प्रोवाइडर जो है वो सप्लाई देता है। तो एंसिलरी सर्विसेज आर द स्पेशलिटी सर्विसेज एंड प्रोवाइड एंड द फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक ग्रिड दैट फैसिलिटेट एंड सपोर्ट द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो दैट द सप्लाई विल कंटिन्यूली मीट डिमांड। तो ओवरऑल जो है यू कैन से कि अगर हम इसकी बात करें तो ओवरऑल आपकी जो है ये जो सर्विसेज होती हैं, ये इलेक्ट्रिक ग्रिड फैसिलिटीज को इस तरीके से सपोर्ट करती हैं कि आपकी जो सप्लाई है वो कंटिन्यूसली चले और आपकी जो डिमांड है वो भी फुलफिल हो सके। द टर्म एंसिलरी सर्विसेज इज यूज्ड टू रेफर टू अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस बियॉन्ड जनरेशन एंड ट्रांसमिशन दैट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ग्रिड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ओवरऑल जो है इस चीज को आप इस तरीके से भी रेफर कर सकते हो कि एक ऑपरेशन है जो कि जनरेशन और ट्रांसमिशन के बियॉन्ड है, जिससे मेनली इसमें काम क्या करना है कि आपने ग्रिड की स्टेबिलिटी और उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। दीज सर्विसेज जनरली इंक्लूड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, स्पिनिंग रिजर्व एंड ऑपरेटिंग रिजर्व। जनरली जो है फ्रिक्वेंसी कंट्रोल करके, या हम रिजर्व रखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, उसको स्पिनिंग रिजर्व बोलते हैं। बेसिकली आप कोई भी फॉल्ट आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा जो है वो यू कैन से कि एक्स्ट्रा चीज़ आपके पास रिजर्व में रहनी चाहिए। ट्रेडिशनली एंसिलरी सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड बाई जनरेटर्स। ओवरऑल जो है एंसिलरी सर्विस जो है वो जनरेटर्स के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती है। हाउएवर द इंटीग्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट जनरेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज हैव प्रॉम्प्टेड अ शिफ्ट इन द इक्विपमेंट दैट कैन बी यूज टू प्रोवाइड एंसिलरी सर्विसेज। ओवरऑल जो है यू कैन से कि जनरेशन हो गया या डेवलपमेंट हो गया, स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज आपने देनी है, इम्प्रूव करना है, तो उसके अंदर भी एंसिलरी सर्विसेज जो है वो आपको इक्विपमेंट जो है वो या उसको कॉस्ट वगैरह जो है वो प्रोवाइड करती है। अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज ऑन द इंटरकनेक्टेड ग्रिड कैन बी टर्म्ड एज एंसिलरी सर्विसेज। तो एक तरह से किसी भी ग्रिड के ऊपर, इंटरकनेक्टेड ग्रिड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज या एक्टिविटीज अगर कोई परफॉर्म हो रही है तो उसको हम एंसिलरी सर्विसेज के अंदर इंक्लूड करते हैं। हाउएवर इन ऑर्डर टू रिमूव दिस लार्ज डिस्क्रिपेंसी NREC, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिकन इलेक्ट्रिक रिलायबिलिटी काउंसिल, ओवरऑल कुछ डिस्क्रिपेंसीज होती हैं इसके अंदर जिसको रिमूव करने के लिए एक मतलब यू कैन से काउंसिल है, काउंसिल बनी हुई है दैट इज अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रिक पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट EPRI के थ्रू। उसने जो है मतलब एक तरह से 12 फंक्शंस जो है इन लोगों ने डिफाइन कर रखी हैं जो कि एंसिलरी सर्विसेज जो है वो परफॉर्म करती हैं। सबसे पहले क्या है? रेगुलेशन है। रेगुलेशन क्या होता है? द यूज ऑफ जनरेशन और लोड टू मेंटेन मिनट टू मिनट जनरेशन लोड बैलेंस विद द कंट्रोल एरिया। तो ओवरऑल जो रेगुलेशन है वो क्या है कि जनरेशन किस तरीके से करना है या लोड किस तरीके से करना है, मिनट टू मिनट जनरेशन और लोड का बैलेंस होता है इसके अंदर विद इन द कंट्रोल एरिया, पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना जनरेट हो रहा है, कितना लोड के पास पहुंच रहा है, उसका एक यू कैन से कि एक मिनट टू मिनट ग्राफ बनाया जाता है। लोड फॉलोइंग में क्या हो जाएगा? दिस सर्विसेज रेफर्स टू द लोड जनरेशन बैलेंस टूवर्ड्स द एंड ऑफ द शेड्यूलिंग पीरियड। तो ओवरऑल जो है कितना लोड आपका जनरेशन हुआ या बैलेंस कितना हुआ, तो वो ओवरऑल वो शेड्यूलिंग पीरियड के अंदर जो है वो जाता है। एनर्जी इम्बैलेंस के अंदर क्या होता है? द यूज ऑफ जनरेशन टू मीट द R2R एंड डेली वेरिएशन इन लोड। तो ओवरऑल जो है वो आपकी जनरेशन कितनी हुई, R2R डिमांड फुलफिल हुई या नहीं, या डेली एक्टिविटीज क्या है, लोड के अक्रॉस कितनी वेरिएशन हो रही है। ऑपरेटिंग रिजर्व या स्पिनिंग रिजर्व के अंदर क्या होगा? द प्रोविजन ऑफ अनलोडेड जनरेशन फॉर यू कैन से जैसे कि कोई इम्बैलेंसेस क्रिएट हो सकते हैं या यू कैन से कि कोई
कोई सिंक्रोनाइजेशन जो है वो आपकी खराब हो रही है, या कोई इमीडिएटली जो है वो लोड इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको जो है ट्रांसमिशन आउटेजेस के थ्रू या कौन वो उसको फुलफिल करेगा, एंसिलरी सर्विसेज ही उसको सेवरल मिनट्स के अंदर जो है वो अवेलेबल करके देती है. ऑपरेटिंग रिजर्व सप्लीमेंट्री, द प्रोविजन फॉर जनरेटिंग कैपेसिटी एंड कर्टेबल लोड टू करेक्ट द फॉर जनरेशन लोड इम्बैलेंसेस कॉज्ड बाय जनरेशंस और ट्रांसमिशन आउटेजेस एंड दैट इज फुली अवेलेबल फॉर सेवरल मिनट्स. तो कोई भी आपका जो है लोड इम्बैलेंस, सेम चीज है जो सप्लीमेंटली एक सप्लीमेंट सप्लाई देनी है इन विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट जो है वो आपने सप्लाईज को प्रोवाइड करनी है. अनलाइक स्पिनिंग रिजर्व, सप्लीमेंट्री रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली. तो कई बार जो है सप्लीमेंट रिजर्व जो है वो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप स्पिनिंग रिजर्व की बात कर रहे हो. बैकअप सप्लाई में क्या होता है, दिस सर्विस कंसिस्ट ऑफ सप्लाई गारंटी कॉन्ट्रैक्टेड बाय जनरेटर्स. जनरेटर्स के थ्रू हमें सप्लाई गारंटी मिलती है कि हाँ हमारे को सप्लाई मिलेगी और कंज्यूमर्स तक वो मतलब शेड्यूल या अनशेड्यूल वे में अनअवेलेबल नहीं रहेगी. मतलब दे आर एबल टू सप्लाई देयर कस्टमर्स इन केस ऑफ शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड अवेलेबिलिटी. ठीक है, दोनों केस के अंदर वो कस्टमर्स को अपनी सप्लाई पहुंचाएंगे. सिस्टम कंट्रोल के अंदर क्या होगा, दिस एक्टिविटी कैन बी कंपेयर्ड विद द फंक्शंस ऑफ द ब्रेन इन ह्यूमन बॉडी. ये जो है वो बेसिकली ह्यूमन बॉडी के मतलब जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज होती हैं उसके साथ काम करता है. शेड्यूल जनरेशन कितना है, कंट्रोल जनरेशन कितना है, उसको रियल टाइम में मेंटेन करता है. डायनेमिक शेड्यूल के अंदर क्या आएगा, इट इंक्लूड्स रियल टाइम मीटरिंग, टेलीमीटरिंग अलॉन्ग विद दिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. जो भी आपकी टेलीमीटरिंग सिस्टम होएगा उसके अंदर जो भी कस्टमर का लोड है, जनरेटर की आउटपुट है, उसको कंट्रोल करने का काम है इसके अंदर, एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर. रिएक्टिव वोल्टेज एंड वोल्टेज कंट्रोल सपोर्ट में अंदर क्या होगा, इंजेक्शन एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिव पावर फ्रॉम जनरेटर्स और कैपेसिटर्स टू मेंटेन द सिस्टम वोल्टेज विद इन द रिक्वायर्ड रेंजेस. एब्जॉर्प्शन कितनी हो रही है रिएक्टिव पावर की, इंजेक्शन कितना आप दे रहे हो, कितना आप इनपुट ले रहे हो, ये यू कैन से अब्सॉर्ब कितना हो रहा है फ्रॉम द जनरेटर्स और यू कैन से थ्रू द कैपेसिटर्स, तो वो इसको कौन कंट्रोल करेगा, एंसिलरी सर्विसेज. रियल पावर ट्रांसमिशन लॉसेस, दिस सर्विस इज नेसेसरी टू कंपनसेट द डिफरेंस फॉर द एग्जिस्टिंग एनर्जी सप्लाइड टू द नेटवर्क बाय द जनरेटर एंड द एनर्जी टेकन फ्रॉम द नेटवर्क बाय द कस्टमर. तो ओवरऑल जो है आपकी सर्विसेज कितनी कंपनसेट हो रही हैं, एग्जिस्टिंग एनर्जी सप्लाई कितनी थी, चेंज कितना आया, नेटवर्क कितना कवर हुआ कंज्यूमर के थ्रू और जनरेटर के थ्रू, कितने एनर्जी जो है वो ली, सप्लाई कितनी गई और ली कितनी कस्टमर ने, ओवरऑल वो चीज जो है वो लॉसेस के अंदर कवर होते हैं. नेटवर्क स्टेबिलिटी कितनी है आपकी, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट जैसे कि PSS या डायनेमिक ब्रेकिंग रेजिस्टेंस, ताकि आप ट्रांसमिशन सिस्टम को सिक्योर करके रख सको. नेक्स्ट है सिस्टम ब्लैक स्टार्ट कैपेबिलिटी, इसके अंदर जो है वो आता है, यू कैन से कि द एबिलिटी ऑफ जनरेटिंग यूनिट टू प्रोसीड फ्रॉम अ शट डाउन कंडीशन इन एन ऑपरेटिंग कंडीशन. कभी कोई शट डाउन क्रिएट हुआ तो ब्लैक स्टार्ट कैपेबिलिटी से आप कितना टाइम लेकर के ब्लैकआउट अगर हो जाता है तो उस चीज को आप कितना जल्दी से कवर कर लेते हैं, तो वो सारा भी एंसिलरी सर्विसेज के अंदर ही इंक्लूड होता है. इट शुड बी नोटेड दैट आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एंसिलरी सर्विसेज इस सिस्टम इज डिपेंडेंट. बेसिकली जो एंसिलरी सर्विसेज का जो भी काम है, उनकी जो भी डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन की गई है, वो सारा का सारा डिपेंडेंट है. ठीक है, वो अकेले कुछ नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो सारी ऊपर की जो सर्विसेज हैं, जो भी ये यू कैन से काउंसिल्स वगैरह होती हैं, वो इंक्लूड होती हैं. तो देयर इज नो ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एंसिलरी सर्विसेज दैट इज एप्लीकेबल इन ऑल द सिस्टम्स. तो ओवरऑल जो है कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है उसकी, बट ये सारी चीजें जो है वो अपना जो काम है वो अपना परफॉर्म करके चलता है. तो ये जो है हमारा क्या है, दिस इज योर नेक्स्ट. ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ पे यूनिट कंप्लीट होता है. नाउ वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग जो है नेक्स्ट यूनिट अपना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. ओके, समझ में आया इतना, कोई इशू है यहाँ तक किसी को? नो मैम.